तुम्हारे भाई को मारा है, ये लो अपनी मणि, भाई को हमने नहीं मारा है, प्रमाण पत्र हम साथ में लाए हैं देवी जी को। राजा बड़ा लज्जित हुआ, राजा को बहुत लज्जा आई, राजा ने चरण पकड़ के कहा महाराज अब मणि हमको भी नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले महाराज अब तो हमारे एक ही उपाय है हमको क्षमा करने का, हमारे पास भी एक बिटिया है। क्या नाम है? महाराज हमारी बेटी का नाम है सत्यभामा, आप उसको स्वीकार करो और हमसे दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले दो हो चुके। राजा बोलो एक और सही, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात भामर पड़ी हो भगवान का, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब चौथा सुनो, भगवान अर्जुन के साथ में घूमने के लिए गए यमुना जी के किनारे, घूम रहे थे भगवान, इतने में देखा कि एक देवी जी ध्यानस्थ बैठी हैं। अर्जुन जी से कहा भगवान ने जाओ पूछो किस लिए बैठी हैं। अर्जुन जी गए, कौन हो देवी, किसका ध्यान कर रही हो? तो वो देवी जी हाथ जोड़ करके बोली अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पति मिच्छति वृष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं मा स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम है कालिंदी, भगवान विष्णु को ठाकुर जी द्वारकाधीश को मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन जी बोले देवी जी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, बेखड़े तुरंत चरणों में आई, महाराज हमें स्वीकार करो। भगवान बोले तीन तीन हो गए। देवी जी बोली महाराज एक हम यहाँ स्वीकार करो। फिर क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात भामर पड़ी, भगवान का चौथा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। अब पांचवा सुनो, उज्जैन के राजा थे, एक का नाम बिंद एक का नाम अरविंद, दोनों सगे भाई। इनकी बहन जिसका नाम था मित्रविंदा, भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। बरमाला का कार्यक्रम रखा, स्वयं साहब राजा आए, बिंद और अरविंद ने कान में अपनी बहन को कह दिया सुनो ये माला तुम्हें डालनी ही है, तो विवाह के लिए तुम दुर्योधन के गले में डालना। लेकिन मित्रविंदा तो भगवान कन्हैया के नाम की माला जप रही थी, तो उस स्वयंवर में भगवान भी आए, माला डालनी थी दुर्योधन के गले में, लेकिन मित्रविंदा जी ने माला डाल दी कन्हैया जी के गले में। लियो चार के बाद पांचवा, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात भामर पड़ी हो भगवान का, पांचवा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की। छठवा सुन, एक राजा थे कौशल नरेश जिनका नाम था नग्नजित, इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा बड़े गुणज्ञ ज्ञानी, राजा ने प्रण लिया कि जो एक रस्सी से सात बैलों को नाथ देगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े बलवान आए, सात बैल बड़े बलवान बलिष्ठ बैल एक रस्सी में बांधना चाहा, पर बैलों ने सींग मार मार के काऊ की हड्डी तोड़ दी, काऊ की पसली तोड़ दी, काऊ को मुंह फोड़ दो, काऊ को खपाड़ फोड़ दो, गए थे ब्याह करवावे हड्डी तोड़वा के और आ गए। फिर क्या, भगवान को पता लगा, भगवान बोले ऐसे काम करने में हमें बड़ा आनंद आता है। सोई भगवान वहां पहुंच गए और देखते ही देखते हाथ में रस्सी लेकर के भगवान ने एक क्षण में सातों बैलों को नाथ दिया, और एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात भामर पड़ी भगवान का, सत्या देवी के साथ विवाह संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। लो जो भी निपट गो। अब सातवां सुनो, वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी सुत कीर्ति, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण से। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। सुत कीर्ति जी ने सोचा भगवान से हमारी घनिष्ठता कैसे हो, भगवान से नाता कैसे जोड़ें, क्या उपाय है। एक उपाय समझ में आया, क्या?
अपनी बेटी का विवाह करने का संकल्प ले लिया और भद्रा देवी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करवाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात भामर पड़ी। भगवान का सातवां विवाह भी संपन्न हो गया बोलो द्वारकाधीश की। अब आठवां और सुन लो। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में नीचे उसका प्रतिबिंब देख करके लक्ष्य का भेदन किया। तो जो मध्य देश के राजा थे जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में अगर तीर चलाएगा उसके साथ हम अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कर देंगे। भगवान ने ऐसा करके दिखा दिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात भामर पड़ी। भगवान के आठ विवाह संपन्न हो गए बोलो वृंदावन बिहारी लाल।